वायर एग्जैक्टली इन लद्दाख लद्दाख में पाई जाती है और इसका टोटल एरिया जो है वो फोर थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है ये मशहूर क्यों है दिस इज़ अ फेमस पार्क फॉर हैविंग द हाइस्ट नंबर ऑफ़ स्नो लेपर्ड्स इन होल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड यहीं पे पाए जाते हैं एंड दे कैन बी सीन मोस्टली इन द लेट विंटर टाइम एक लार्जेस्ट पार्क है कितनी लार्ज है इम्पोर्टेंट पॉइंट इट्स द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ एशिया पूरी साउथ एशिया में सबसे बड़ी पार्क मानी जाती है हेमिस जो कि लद्दाख में देयर यू कैन फाइंड सम रिलीजियस स्ट्रक्चर्स दिज आर कॉल्ड तिब्बतियन गोम्पास दिस रिलीजियस स्ट्रक्चर विच यू कैन सी इन लद्दाख साइड दिस रिवर विच इज फ्लोइंग एट इट्स बाउंड्रीज यानी इसके सरहदों पे इसके हदूद में कुछ एक रिवर बह रहा होता है जिसको हम इंडस कहते हैं रिवर इंडस भी यहाँ पे फ्लो हो रहा है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हेमिस के बारे में ये है इसकी लोकेशन और इसका फ्लो ऐसे हो रहा है जो की हेमिस में है लद्दाख में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिस इज द वर्ल्ड फेमस प्लेस फॉर वॉट फॉर हैविंग द फोर हंड्रेड ईयर ओल्ड हेमिस मोनास्ट्री यहाँ पे चार सौ साल पुरानी मोनास्ट्री है लद्दाख में हेमिस में पाई जाती है जिसको हम हेमिस मोनास्ट्री कहते हैं दिस पार्क बिकॉज इट्स ए नेशनल पार्क नेशनल पार्क में हमारे प्लांट्स भी होते हैं एनिमल्स भी होते हैं दिस पार्क इज ऑल्सो होम टू लाइक वी हैव स्नो लेपर्ड वी हैव ऑल्सो वी हैव तेबर वी हैव रेड फॉक्स एंड वी हैव ब्राउन बेयर

इसके लिए भी बहुत मशहूर है ट्रैकिंग के लिए भी और द बेस्ट टाइम टू विजिट टू दिस पार्क इज एंड इट्स ओपन फ्रॉम मिड जून टू मिड अक्टूबर दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज लद्दाख के रूट बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल फॉल ना मूवंग एड द सेकेंड नेशनल पार्क वी आर गोइंग टू डिस्कस इज काजी नाग नैशनल पार्क ये एक नेशनल पार्क है पार्ट ऑफ ट्रांस कराकरम पीस पार्क विद पाकिस्तान यानी ये कश्मीर में ही आता है जिस इज इन डिवीजन कश्मीर स्वीटेड इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो कि नॉर्थ में आता है कश्मीर में वहां पे और ये इसका कुछ पार्ट जो है जिसकी कुछ सरहद जो है वो पाकिस्तान के साथ भी मिल जाते हैं दिस पार्क इज़ फेमस फॉर हैविंग यूनिक एंड एंडेंजर्ड सेवेंटीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई सेवेंटीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई यानी सत्रह किस्म के बटरफ्लाई जो कि दुनिया में बहुत यूनिक है और बहुत कम पाए जाते हैं ये यहाँ बारामूला के नेशनल पार्क में जिसको काजी नाग नैशनल पार्क कहते हैं वहाँ पाए जाते हैं द थ्री स्टार पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस पार्क कंटेन्स यूनिक एनिमल जिसको मारखोर कहते हैं इट्स यूनिक हेयर नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान यानी नेशनल एनिमल है ये पाकिस्तान का ये जो आपको गोड जैसा दिख रहा है जिसके ऐसे कर्ल जो है इसके हैं तो ये इसको मारखोर कहते हैं ये काजीनाग नेशनल पार्क में ही देखा जाता है अदर एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड हेयर लाइक वी हैव मास्क डेयर वी हैव ब्राउन बेयर एंड वी हैव अ स्नो लेपर्ड ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं इस पार्क में पाए जाते हैं द बेस्ट टाइम टू विजिट टू दिस पार्क इज़ मे टू सेप्टेम्बर बिकॉज इज अ सीज़न फॉर बटरफ्लाइज एंड ये सूदिंग हो जाता है और बहुत खूबसूरत नज़र आता है बिकॉज ऑफ दिज बटरफ्लाइज एंड बहुत मौसम भी अच्छा होता है उस टाइम तो बेस्ट टाइम इसका विजिट का है मे टू सेप्टेम्बर ना मूविंग ए हैथ वी हैव नाउ द मांडा नेशनल पार्क जो मांडा नेशनल पार्क है ये जम्मू डिवीजन के साथ आता है यानी जम्मू में आता है एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मांडा डियर पार्क इसमें डियर ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ दिस दिस इज़ ऑल्सो नोन एज डियर पार्क और ये जम्मू में नेशनल पार्क है और जम्मू में है और दिस इज सिचुएट ओनली सम मीटर्स बिफोर अमर सिंह पैलेस जो है जम्मू में ठीक है जो कि जानीपुर में है ठीक है वहाँ पर और जो वहाँ पर आर्ट म्यूज़ियम में डोगरा आर्ट म्यूज़ियम वहाँ पर ये इसके करीब ही ये वाली पार्क है मांडा नेशनल पार्क दीज आर सम ऑफ द नैशनल पार्कस वी नीड टू नो अबाउट कि जो आपको एग्जाम्स uh, में प्री मेडिकल एग्ज़ाम्स में हो सकता आइडिया ही पूछा जाए या कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाएँ मेडिकल एग्जाम्स में लाइक like एम्स में या आपका जो नीट है या आपके जो जो भी बोपी के एग्ज़ाम्स होते हैं या ऑल ओवर इंडिया जितने भी प्री मेडिकल एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे जा सकते हैं एंड फॉर जनरल नॉलेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.